अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए आज आलू से एक नाश्ता बनाएंगे जो कि फटाफट से बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो यहाँ पर मैंने 3 आलू ले लिया है, बॉयल आलू है, और इसे मैशर से मैश कर देंगे। आप चाहो तो कद्दूकस भी करके ले सकते हो, या फिर आप कद्दूकस ऐसे ही करके हाथ से मैश करके आप छन्नी से भी छान सकते हो। लम्स नहीं रहने चाहिए। थोड़े से ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है, आधा चम्मच तक। थोड़ा सा इसमें रेड चिली फ्लेक्स डाल दिया है, थोड़ा सा पीछा सीजनिंग डाल दिया है, बहुत ही टेस्टी बनता है। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार, और इसमें कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर है। और अच्छे से मिक्स करेंगे हाथों से। इसे हम आटे की तरह गूंथ लेंगे जिसे आटा गूंथते हैं, बस उस तरह से इसका एक इकट्ठा डो होना चाहिए, जैसे कि हमें उसे रोल करते टाइम वो टूटे ना। अगर वो टूट रहा है तो इसमें हल्का सा तेल या पानी मिक्स कर लें, इस तरह से कट कर लेंगे। इसे छोटे छोटे टुकड़े कट करेंगे, बहुत बड़े और मोटे नहीं रखेंगे, बस इस तरह से हो गया ये कट। अब इसे एक फोक की मदद से इस पर डिज़ाइन दे देंगे। इसी तरह से बाकी सब भी फोक से इस तरह से पुश करके पतला कर देंगे, इससे डिज़ाइन भी बन जाएगा, अच्छा दिखेगा और ये पतला भी हो जाएगा। हाथों से उस तरह से करेंगे तो उतना अच्छा नहीं बनेगा, फोक की मदद से फटाफट हो जाता है। आप ढेर सारे 5 मिनट में बना सकते हो। चलिए हो गया है, इसी तरह से सब बना लेंगे। यहाँ पे मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया था, गरम हो गया है, और इसे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हीट वाले तेल पे नहीं डालेंगे, वरना ये कुरकुरा नहीं होगा, एकदम क्रिस्पी नहीं बनेगा, अभी मज़ा नहीं आएगा खाने में। इसी तरह से सारे डाल देंगे फटाफट से, क्योंकि तेल पहले से ही बहुत अच्छा गरम है ये। और इसे हम तुरंत नहीं पलटेंगे, इसे अच्छे से पक जाने देंगे एक साइड, जैसे एक साइड ही पक जाएगा फिर इसे हम घुमा देंगे। और ये बिल्कुल नहीं टूटेगा, टूटने का तो बिल्कुल सवाल ही नहीं होता है। कॉर्नफ्लोर जो है इसमें, कॉर्नफ्लोर से बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप चाहे कॉर्नफ्लोर या फिर चावल का आटा भी ले सकते हैं। देखिए एकदम कड़क हो गया ना, इसे तेल में हम इस तरह से पलट देंगे और छुड़ा लेंगे, ये एक एक अलग हो जाएगा। बस इस तरह से इसे कट कर देंगे, तेल में अपने आप ही अलग अलग हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं, हो गया है, बाकी का भी इसी तरह से कर लेंगे। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में।